अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं सच न्यूज़। पेश है आज की अहम खबर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है पैंपर्स को लेकर। दरअसल उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पैंपर के अंदर जो है मोहम्मद लिखे हुआ है, यानी कि तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं दुश्मन आए इस्लाम रसूलुल्लाह की शान में गुस्तागी करना चाहते हैं। वो ये आजमाना चाहते हैं कि मुसलमानों को ये चीज़ मालूम पड़ रही है या फिर नहीं, आशिक रसूल इस दुनिया में मौजूद कितने हैं और कितनी गौर से ये चीज़ों को देखते हैं। दरअसल इस्लाम के दुश्मनों की ये बड़ी साजिश है, लेकिन आशिक रसूल जो दुनिया भर में मौजूद है उनका इश्क का क्या कहना, वो तो लाजवाब इश्क है। वो चाहे बड़े से बड़ी गुस्तागीर हो या छोटे से छोटी गुस्ताखीर हो, वो माफ़ करने वाले नहीं हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं। इसी के चलते आज हैदराबाद में मिचौक पीएस में एक कंप्लेंट दी गई और डीसीपी साउथ जोन के पास भी एक कंप्लेंट दी गई और एहतजाज किया। और आशिक रसूल ने ये कहा कि कुछ 24 घंटे के अंदर अगर ये पैंपर्स को बैन नहीं करेंगे तो वो एहतजाज करेंगे और दुकानों में घुस कर पैंपर्स के पैकेट को निकाल कर बाहर फेंकेंगे और उसको चला देंगे। और यहाँ तक कि यहाँ पे सरकार के आशिकों ने ये तक कह दिया कि इसके जिम्मेदार पुलिस और यहाँ की सरकार रहेगी अगर पैंपर्स को बैन नहीं किया गया तो। आइए हम आपको दिखाते हैं तफसीली रिपोर्ट। जो पैंपर्स शहर में बिक रहे उसमें अल्लाह के रसूल का नाम मोहम्मद साफ तौर पर दिखाया जा रहा, ये शरंगेजी जानबूझकर की जा रही है ताकि मुसलमानों की दिल आजारी हो। हम यहाँ देवीपुरा पीएस पर भी कंप्लेन दिए या एसी डीसीपी ऑफिस पर भी कंप्लेन दिए। डीसीपी साहब से बात हुई है, कंप्लेन एक्सेप्ट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम पुलिस से कहना चाहते हैं जो माल ये पंपर्स पूरे शहर में बिक रहे हैं उनके ऊपर वो माल को जब्त करें और उनके ऊपर केसेस बुक करें। अगर 24 घंटे का टाइम है उन लोगों को, 24 घंटों के बाद अगर वो माल दुकानों में बेचा जाएगा तो उसके जो भी हालात नुकसान होंगे उसके जिम्मेदार वो होंगे। और पुलिस को चाहिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर ढील बढ़ती जाएंगी तो शहर के हालात ख़राब होंगे तो उसके जिम्मेदार पुलिस भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जबलपुरा पुरानी हवेली के नौजवानों की जानिब से एरिया पी एस जबलपुरा एरिया ए सी पी डिवीज़न मीर चौक साउथ कंप्लेन दिया गया। पी एन जी जो कहा दिख रहा है जिसे मुसलमानों की ये समझते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखते हैं और इस तरह की हरकत मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस ज़मीन में आज कंप्लेन दिया गया देवीपुरा पी एस के अंदर ए सी पी मीरचौक और साउथ डी सी पी को और उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ दूसरा हमारा ये मुतालबा है, कल तक मोहलत दी जा रही है, ये जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मौजूद है, शहर के अंदर मौजूद है, फ़ौरन इसको वापस लिया जाए कंपनी। और इसके बाद अगर दुकानों के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर, मेडिकल स्टोर के अंदर ये पैंपर्स अगर रहेंगे, इसके बाद जो हालात पैदा होंगे उसके हालात के जिम्मेदार वो दुकानदार होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होगा। और उसके साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक तबके को अगर दिलाजाई होती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है उसके एहसास को समझें और उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करें जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल तक इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट कंपनी वापस ले लेगी। और कल अगर 4 बजे तक ये प्रोडक्ट वापस ले लेंगे, इसके बाद जो दुकान के अंदर ये प्रोडक्ट मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला हम उसको निकालेंगे, उसको ज़ाया करेंगे और बताएंगे कि मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं और उसके साथ क्या रद्द अमल किया जाता है। रोड अपनी है।